गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर सुजाता माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर इन बॉटनी, बीबीडी गवर्नमेंट कॉलेज चिमनपुरा। आज हम एमएससी फाइनल का 12th पेपर एडवांस प्लांट पैथोलॉजी सेकेंड में प्लांट पैथोलॉजी की टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे। प्लांट पैथोलॉजी में कई सारे टर्म्स यूज में आती हैं। सबसे पहले हम डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि वॉट इज़ डिजीज़। तो डिजीज़ क्या होती है? एक एबनॉर्मल कंडीशन होती है of a plant in which the physiology, morphology and development is altered under continuous influence of pathogen। मतलब जैसे ही कोई pathogen host के संपर्क में आता है तो उसके अंदर कई सारे physiological, morphological और development में change होते हैं, जिससे कि उसमें disease उसको कहते हैं। Second is pathogen। Pathogen क्या हुआ? Pathogen वो हुआ जो कि disease cause करता है। Pathogen is an agent that causes disease। उसके बाद टर्म आती है pathogenicity। Pathogenicity क्या हो गई? It is a property of an organism that cause disease। जो भी causal organism है, pathogen है, microorganism है, disease cause कर रहा है, तो उसकी वो property pathogenicity कहलाती है। Next is pathogenesis। Pathogenesis, patho means ये pathogen की बारे में बात करें, genesis मतलब process। The process of events of disease development, की कैसे पैथोजन ने होस्ट को इन्फेक्ट किया, तो वो जो सारे इवेंट्स हैं उनको हम बोलते हैं पैथोजेनेसिस। नेक्स्ट आता है कॉजल ऑर्गेनिज्म। कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या हुआ? जो पैथोजेनी हो गए, जैसे एल्गी, ये फंजाई, बैक्टीरिया, नेमेटोड, जो कि डिजीज़ कॉज कर रहे हैं। द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कॉजेज डिजीज आर कॉल्ड कॉजल ऑर्गेनिज्म, लाइक फंगस, बैक्टीरिया, नेमेटोड्स एट्सेट्रा। इसके बाद आता है पैरासाइट। पैरासाइट्स क्या होते हैं? कि पैरासाइट्स जो होते हैं दे आर मोस्टली कॉजल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये जितने भी कॉजल ऑर्गेनिज्म वो पैरासाइट्स ही हैं। तो ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड्स ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म टोटली और पार्शियली, मतलब ये किस पे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड कर रहे हैं, पूर्ण रूप से या पार्शियली। सेप्रोफाइट्स, सेप्रो मीन्स डेड डिकेइंग, तो ऑर्गेनिजम्स विच डिपेंड्स ऑन डेड डिकेइंग मैटर आर टोटली और वही पार्शली, इज कॉल्ड सेप्रोफाइट। देन डिजीज साइकिल। डिजीज साइकिल क्या होता है? डिजीज साइकिल इज ए चेन ऑफ इवेंट्स इन द डिजीज डेवलपमेंट। कोई भी डिजीज जैसे डेवलप हो रही है तो उसके अंदर जो चेन होती है उसको हम बोलते हैं डिजीज साइकिल। कहाँ कब इन्फेक्शन शुरू हुआ और डिजीज हो गई वहाँ तक का। इसके बाद आती है इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म। एन ऑर्गेनिजम्स विच मे बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम डिजीज होस्ट टू प्लांट टू हेल्दी प्लांट एंड इज केपेबल ऑफ इंसाइटिंग द डिजीज इन फेवरेबल कंडीशन। जब कभी फेवरेबल कंडीशन होती है तो उसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि डिजीज प्लांट से डिजीज़ को ट्रांसमिट करके कहाँ ले जाते हैं, हेल्दी प्लांट्स में, उसको बोलते हैं इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म। इन्फेक्शियस डिजीज, इन्फेक्शियस डिजीज क्या होंगी? इन विच ए ट्रांसमिसिबल कॉजल ऑर्गेनिज्म इज़ ए पार्ट ऑफ कैजुअल कॉम्प्लेक्स, एग्जाम्पल वायरल डिजीज़ भी। तो ये सारे डिजीज़ मतलब कौन सी होगी जो कि एक, जैसे मानो अगर अपन प्लांट की बात करें, एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जाती है, तो इनको बोलते हैं ट्रांसमिसिबल या इन्फेक्शियस डिजीज़। उसके बाद टर्म आती है सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस क्या होता है? इट इज़ एसोसिएशन ऑफ टू लिविंग ऑर्गेनिज्म इन विच बोथ आर बेनिफिशियल, मतलब पैरासिटिक होते हैं और ये एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं। तो अपन ने ये पढ़े हैं लाइकेंस, माइकोराइजिया। लाइकेन क्या होते हैं? एल्गी, फंजाई का एसोसिएशन होता है जिसमें कि दोनों एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं, बेनिफिशियल होते हैं। इसी प्रकार माइकोराइजा, माइको मीन्स फंजाई, राइजा मीन्स रूट, तो ये फंजाई और रूट ऑफ हायर प्लांट्स का एसोसिएशन होता है जिसमें कि बोथ आर बेनिफिशियल टू ईच अदर। उसके बाद टर्म आती है सिम्बायोंट। सिम्बायोंट क्या हो गए? द ऑर्गेनिजम्स विच टेक्स पार्ट इन सिम्बायोसिस, मतलब अपन कह रहे हैं कि एल्गी, फंजाई का लाइकेन एसोसिएशन है, तो ये सारे क्या होते हैं? सिम्बायोंट, जैसे लाइकेन, एल्गी और फंजाई। उसके बाद में आता है टर्म आती है प्राइमरी इनोकुलम। प्राइमरी इनोकुलम क्या होता है? वेन द सोर्स ऑफ प्राइमरी इनोकुलम सर्व्स एज इन्फेक्टिव एजेंट इट बिकम्स प्राइमरी इनोकुलम। सेकेंडरी क्या हुआ? व्हेन द होस्ट बिकम डिजीज्ड, तो उसमें तो क्या मतलब सबसे पहले जो पैथोजन है प्राइमरी में, तो क्या हुआ? सबसे पहले पैथोजन जो है उसने होस्ट को इन्फेक्ट किया, तो वो हो गया प्राइमरी इनोकुलम। सेकेंडरी में क्या हो गया? व्हेन द होस्ट बिकम डिजीज्ड एंड द ऑर्गेनिज्म सब्सिक्वेंटली प्रोड्यूसेस स्पोर्स इन इन्फेक्शियस बॉडी,
मतलब पहले से ही जो इसमें क्या हुआ, जो होस्ट था वो पहले से ही कैसा है, डिजीज्ड है, और उसके बाद जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पैथोजन है उसको वो क्या कर रहा है, स्पोर्ट्स और इन्फेक्शियस बॉडी प्रोड्यूस कर रहा है। द इन्फेक्शन, इन्फेक्शन क्या हुआ, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पैथोजन विद इन द होस्ट, मतलब जब क्या हुआ कि पैथोजन ने होस्ट को इन्फेक्ट किया, मतलब इन्फेक्शन मीन्स उस पर अटैक किया, तो उसके अंदर क्या होता है, कई सारे फिजियोलॉजिकल मॉर्फोलॉजिकल डेवलपमेंटल चेंजेस होते हैं और वो इन्फेक्शन कॉज करते हैं। इसके बाद आता है इंक्यूबेशन पीरियड, द इंटरवल बिटवीन इन्फेक्शन एंड अपियरेंस ऑफ फर्स्ट सिम्टम ऑफ द डिजीज़, मतलब कि हमने कहा कि जब पैथोजन जो है उसने होस्ट को इन्फेक्ट किया और उसके पास जब उसमें डिजीज़ के सिम्टम्स आए, जैसे कि प्लांट डिजीज़ की अपन बात करें, किसी में गॉल्स बन गई, किसी के अंदर स्पॉट्स आ गए, रस्ट हो गई या स्मट्स हैं, तो ये सारे जो हैं सिम्टम दिखने लग जाएं किस किस के बीच, इन्फेक्शन एंड अपियरेंस ऑफ सिम्टम, तो उसको बोलते हैं हम इंक्यूबेशन पीरियड। इसके बाद टर्म आती है डिजीज़ डेवलपमेंट। डिजीज़ डेवलपमेंट क्या होता है कि इट इज़ एन चेन ऑफ इवेंट्स विच अकर्स बिटवीन द टाइम ऑफ इन्फेक्शन एंड कम्प्लीट एक्सप्रेशन ऑफ डिजीज़। तो इसके अंदर क्या होता है कि डिजीज़ डेवलपमेंट कब हुई, ये भी एक चेन है एक तरह की, जो कि इन्फेक्शन के टाइम से शुरू होकर कम्प्लीट, मतलब जब सिम्टम्स भी आ गए और पूरे प्लांट के अंदर डिजीज़ दिख रही है, उसके बीच को हम बोलते हैं डिजीज़ का डेवलपमेंट। फिर आता है सिम्टम्स। सिम्टम्स क्या होते हैं, द प्रोग्रेशन ऑफ एक्सटर्नल एविडेंस ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ द मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ द होस्ट प्लांट। सिम्टम्स अपने पहले पढ़ा था कि सिम्टम मतलब कि जब पैथोजन जो है उसने होस्ट को इन्फेक्ट कर दिया, तो इन्फेक्ट करने के बाद धीरे धीरे उसके अंदर क्या होते हैं, उसकी जो फिजियोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी है, ये सब डिस्टर्ब होने लग जाती हैं, और ये डिस्टर्ब हो जाती हैं तो इसको इसमें क्या कुछ परिवर्तन हमें प्लांट पार्ट में दिखाई देने लग जाते हैं, इन परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं, सिम्टम्स। इसके आगे की टर्म्स हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।